अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं 500 स्क्वायर यार्ड के पैराडाइज की विला जिसकी पोजेशन वैरियट ऑन देने जा रहा है, किस हद तक कंप्लीट हो चुके हैं, कौन सी रोज़ में पोजेशन होने जा रही है और किस तरह का व्यू है, आपको सारा विजिट कराते हैं। ये आप देखिए, ये मॉडल विला है जो 500 स्क्वायर यार्ड का पैराडाइज का है और ये फ्रंट वाली रो है, ये सारी रो रेडी फॉर पोजेशन है और इंशाल्लाह महीने या डेढ़ महीने तक ये वैरियट ऑन की जो कमिटमेंट है ये पोजेशन देने जा रहे हैं। इसी तरह एक दूसरी साइड की फ्रंट रो है, वो भी आपको विजिट कराते हैं। इस रो की बैक वाली जो स्ट्रीट है वो भी रेडी हो रही है, आप यहाँ पे देखें टाइल वर्क कंप्लीट है, पेंट का हो चुका है, ऊपर गीज़र लग चुका है, हर लिहाज से ये कंप्लीट है। बाकी कुछ विलाज हैं जिसमें थोड़ा बहुत कोई काम पेंडिंग है तो वो भी हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि पूरे पैराडाइज के सारी स्ट्रीट्स, विलाज की सारी स्ट्रीट्स आपको विजिट कराएँ, स्पेशली वो स्ट्रीट्स और वो विलाज जो कम्प्लीट हो चुके हैं और जिनका पोजेशन वैरियट ऑन देने जा रहा है। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो में डिटेल शेयर की थी कि इन विलाज की पोजेशन से बहरिया पैराडाइज का इम्पेक्ट बहुत बेहतर होगा। जो र्यूमर्स हैं मार्केट में, जो लोगों का जेन में एक थ्रेट है, फियर है पैराडाइज के हवाला से, वो मामला क्लियर हो जाएंगे। जिन लोगों के यहाँ पर प्लॉट्स बाउंड्री वाल के अंदर हैं, जिनके यहाँ पर विलाज हैं, उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हो जाएगा, यहाँ लिविंग स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहरे टाउन के अंदर 500 स्क्वायर यार्ड के विलाज की एक रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि इसके अलावा बाकी जितने भी बहरे टाउन ने विलाज हैंड ओवर किए हैं अब वो 3 बेड के और मैक्सिमम 4 बेड के विलाज हैं, और ये 500 स्क्वायर यार्ड के जो विलाज हैं ये 5 बेड के विलाज हैं। और इन विलाज की जो फिनिशिंग क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है, अकोमोडेशन भी बहुत अच्छी है, बड़ी वेल मैनेज वेल ऑर्गेनाइज ये विलाज बने हुए हैं और मेन गेट से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, मेरे ख्याल से कोई 10 किलोमीटर के, 10 से 12 किलोमीटर की रेंज में आते हैं। और इस एरिया में अभी लिविंग नहीं थी और इन विलाज के देने से पैराडाइज में लिविंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा इससे पहले ओल्ड बीटीके में, गोल्फ में, स्पोर्ट्स सिटी में, हर एरिया में लिविंग ऑलरेडी थी, बट पैराडाइज इस लिहाज से लिविंग नहीं थी। तो इन विलाज के हैंडओवर करने के बाद यहाँ पर लिविंग स्टार्ट हो जाएगी और लिविंग भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, बड़े बहुत अच्छी क्वालिटी के विलाज हैं, बड़े विलाज हैं, आप देख सकते हैं। इन विलाज के प्रेसन 51 में ये विलाज हैं, इनके सामने प्रेसन 50 है, वहाँ भी 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं और इस प्रेसन 51 में बाकी जो ओपन लैंड है वहाँ 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। ये विलाज तो बहरिया टाउन हैंड ओवर करने जा रहा है और बाकी जो इसके लेफ्ट राइट के एरियाज हैं जहाँ 500 स्क्वायर यार्ड के प्लाट्स हैं, डेफिनेटली उनकी प्राइसेस में भी काफ़ी बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि आज इस वक्त जो ये विलाज हैं तकरीबन 4.25 करोड़ के करीब, 3.5 से 4 करोड़ के बीच में इस वक्त प्राइसेस चल रही हैं। और अगर प्लॉट यहाँ की बात करते हैं तो कोई 90 लाख 95 लाख में अच्छा रिजनेबल प्लाट मिल जाता है, उसके ऊपर हम 2.5 करोड़ की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वही 3.5 करोड़ में आपको एक अच्छा विला मिल जाता है। लेकिन उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपकी पेमेंट जो है अपनी लमसम में नहीं देनी पड़ेगी और उसमें आप अकोमोडेशन अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, फिनिशिंग क्वालिटी अच्छी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। गैप ये था कि यहाँ पे लिविंग नहीं थी, यहाँ इस एरिया में अलाइव नहीं था एरिया, इन विलाज देने की वजह से यहाँ पे ये पूरा एरिया अलाइव भी हो जाएगा और जो प्लॉट्स पड़े हुए हैं उनकी वैल्यूज़ भी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर विला बनाना जो है उसकी जो अफोर्डेबिलिटी जो है और उसका जो कंपेरेटिव एनालिसिस देखते हैं और उसकी फिजिबिलिटी जो देखते हैं इन विला से कंपेयर करते हुए तो एक अच्छी फिजिबिलिटी बन सकती है, कि मतलब जितनी प्राइस इन विलाज की है उससे कम प्राइस में शायद इससे भी अच्छा विलाज बनाया जा सकते हैं। बहरहाल अगेन कोशिश कर रहे हैं कि पूरा इस विलाज जो बन रहे हैं, जो कंप्लीट होने जा रहे हैं, जो हैंड ओवर होने जा रहे हैं और बाकी जो स्ट्रीट्स हैं जहाँ भी काम हो रहा है ये पूरा आपको विजिट भी कराएँ। और इस पैराडाइज विला की पोजेशन होने की वजह से यहाँ पर क्या इम्पेक्ट होने जा रहा है वो भी आपके साथ शेयर कर लिया। इस तरह प्रेसन 47-48 इसके बिल्कुल साथ हैं, वहाँ पे 250 स्क्वायर यार्ड के वैसे तो प्लॉट्स हैं लेकिन इन विलाज के हैंड ओवर होने से वजह से वहाँ भी काफ़ी बेहतरी आ रही है, लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है, वहाँ पे भी लोगों ने, एंड यूज़र ने वहाँ पे विलाज बनाना शुरू कर दिया है और ये बड़ी खुशहाली बात है। वो लोग जिनके पैराडाइज में प्रॉपर्टीज़ थी उनके लिए एक पॉजिटिविटी है, उनके लिए एक अच्छी ट्रेड हो रहा है और इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम फर्दर जो भी अपडेट्स आएंगी, चेंजेस आएंगी यहाँ पे बैरियर टाउन के हवाले से आपके साथ हम लोग टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।